So hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is Shivam and hope you all are doing great. So आज मैं share करने वाला हूँ अपना review on this 200D Mark II जो मैंने like 2 month पहले purchase किया था. So अभी मुझे 2 month हो गए हैं ऐसे use करते हुए. अब बात कर लेते हैं थोड़ी कैमरा के बारे में. So ये shoot करता है 4K at 30 fps and 1080p at ये आता है वेरी एंगल डिस्प्ले के साथ में जो कि ऐसे रोटेट हो जाती है और इसके अंदर हम वाईफाई एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है और ये आता है क्रॉप फ्रेम सेंसर के साथ में. एंड नाउ माय रिव्यू ऑन दिस कैमरा. सो पहले इसके प्रोज की बात कर लेते हैं. अगर प्रोज की बात करें, ये शूट करता है 4K रेजोल्यूशन में जो कि अभी तक इस प्राइस रेंज में कोई भी DSLR शूट नहीं करता है. और वेरी एंगल डिस्प्ले ये तो है ही भाई की वेरी यूजफुल जब आप व्लॉग कर रहे हो तो सामने देख के आराम से डायरेक्टली लाइट भी मिलता है इसके लिए तो और कहीं भी रोटेट कर सकते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होता है. कभी कभी ऐसे ऊपर से शॉट लेने होते हैं लाइक ऊपर से अगर फोटोग्राफी करनी हो या वीडियोग्राफी करनी हो तो उसके लिए वेरिएबल डिस्प्ले बहुत ज़्यादा यूजफुल है. इसके अंदर 12 पिक्सल ऑटो फोकस है जो जिसकी वजह से ऑटो फोकस बहुत सही वर्क करता है. ग्रेट जॉब बाय कैनन. एंड अदर प्रो जो इसका इंटरनल माइक है वो बहुत सही वर्क करता है क्योंकि मैंने इस पर लाइक ओया का माइक ट्राई किया था तो फिर मैंने उसके अंदर जो डिफरेंस देखा कि मतलब इतना खास डिफरेंस नहीं आता है जो इसका इंटरनल माइक है वो बहुत बेटर. इसकी बैटरी परफॉर्मेंस है एवरेज कह सकते हैं यस इट्स अबव द लाइन तो उसे मैंने प्रोज में ही काउंट किया है. जब ज़्यादा कैमरा फास्ट फोकस करता है तो उससे मतलब बैटरी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. सो उसके होते हुए भी मतलब बैटरी बहुत सही वर्क करती है तो यस तो मैंने बैटरी को प्रोज में रखा है. दैट्स व्हाई जब मैं सिर्फ 4K में शूट करता हूँ तो जो इसका ऑटो फोकस है वो इतना बेटर वर्क नहीं कर पाता है एज कम्पेयर टू जो वो फुल HD 1080p पे जो वर्क करता है. उस चीज़ में कहीं कहीं लैग फील होता है. एंड जब ये 4K शूट करता है तो वीडियो क्रॉप हो जाती है तो जिसकी वजह से जो व्यू होता है नैरो हो जाता है. सो दैट इज अनदर कॉन. एंड इट शुड एटलीस्ट कम्स विद 64GB कार्ड और उससे इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है यार. मतलब ऑब्वियसली बात है अगर उसमें करेंगे तो पहले इंक्लूड कर देंगे तो उसे बाहर से परचेज कर सकते हैं. एंड अगर मैं ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आई थिंक स्टिल इन फेब्रवरी 2020 इज द बेस्ट DSLR कैमरा इन 50,000 रेंज. एंड नेक्स्ट टाइम प्लानिंग फॉर 10-18mm लेंस क्रॉप फ्रेम सेंसर के साथ में आता है जिसकी वजह से लाइक नैरो व्यू प्रोवाइड करता है. अभी इसमें मुझे अपडेट करना है 10-18mm लेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट माई रिव्यू ऑन 200D Mark II जिसमें कि मैंने प्रोज और कॉन्स शेयर किए एंड माई कॉमेंट ऑन दिस एंड जो इसके सैम्पल थॉट्स हैं वो मैं इसके बाद प्लेस कर दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल.